वेलकम टू स्वादिष्टान। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बटर गार्लिक टमाटो राइस की रेसिपी। ये रेसिपी स्पेशली बिगनर्स के लिए है। आप इसको आराम से अपने घर में बना सकते हैं। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कुकिंग करनी नहीं आती है, आप कंफर्टेबल नहीं होते हो या बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है, तब भी आप इन राइस को आराम से बना पाएंगे। कुछ भी बर्तनों की भी ज़रूरत नहीं है, मिक्सी ग्राइंडर की भी ज़रूरत नहीं है और वही बेसिक मसाले यूज़ किए हैं। ये रेसिपी जितनी बेसिक है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी है। अब चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। टमाटो राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे राइस को बॉईल। यहाँ पे मैंने राइस को अच्छे से वॉश करके 15 मिनट के लिए भिगो लिया था पानी में। अब यहाँ पे आपको उबलते हुए पानी में इनको डालना है और 5 से 7 मिनट के लिए बस इसको बॉईल करना है, यानी कि जब तक ये 80% तक बॉईल ना हो जाए उतना ही बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। साथ में नमक डालना है और फ्लेम हमको यहाँ पे मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे ही इनको बॉईल करना है। आप चाहे तो इसको ढक के भी बॉईल कर सकते हैं। और जब ये 80% तक बॉईल हो जाए तो आपको इसको निकाल देना है और ठंडा पानी डालना है, जिससे इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अब यहाँ पे आपको डालना है 2 चम्मच तेल और लगभग 3 चम्मच के अकॉर्डिंग बटर डालना है। फिर जब बटर मेल्ट होने लग जाए तो इसमें आपको डालनी है 1/4 चम्मच जीरा और 1/2 छोटी चम्मच राई की, 5 से 6 कड़ी पत्ता, 2 से 3 चम्मच लहसुन की, और इनको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप कम क्वांटिटी कर सकते हैं या इसको स्किप करके नॉर्मल टमाटो राइस भी बना सकते हैं, प्रोसेस सेम है। फिर यहाँ पे हमको डालनी है 1 प्याज। प्याज को भी हमको अच्छे से कुक करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम हमको मीडियम रखनी है और फिर जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इस तरीके से, तो हमको डालने हैं 3 टमाटर कट करके। इसी पॉइंट में ही हम सारे मसाले डालेंगे। पहले नमक डाल देते हैं। नमक आपको डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3/4 चम्मच हल्दी। नेक्स्ट 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालनी है लाल मिर्च पाउडर की और 1 चम्मच आपको डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की, जिससे कलर अच्छा आएगा। 1 छोटी चम्मच डालनी है जीरा पाउडर की और 2 से 3 हरी मिर्च ली है जिनको बीच में से कट कर दिया है। इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये सभी मसाले अच्छे से कुक होने के बाद आपको इसको ढकना है मीडियम फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद आपको डालनी है 1 चम्मच टमाटो केचप की, जो कि टमाटर की खटास को बैलेंस करेगी। या आप चाहे तो 1/4 चम्मच चीनी की भी डाल सकते हैं या इन दोनों चीज़ों को ही स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। टमाटर जैसा कि आप देख सकते हैं मैश होना स्टार्ट हो चुके हैं, बट इन्होंने ऑयल अभी तक नहीं छोड़ा है, तो हम इसको 2 से 3 मिनट तक और कुक करेंगे। और जब ये इस तरीके से ऑयल साइड से छोड़ना स्टार्ट कर दे तो इस पॉइंट में हम डालेंगे ये हमारे बॉयल करके ठंडे किए हुए राइस। साथ में हमको डालना है 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच गरम मसाला, कटा हुआ हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने का तरीका आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, नीचे से ऊपर लाते हुए। इस तरीके से जो राइस है ना वो टूटते नहीं हैं और अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। आप चाहें तो इसमें लेफ़्ट ओवर राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गरम राइस इसलिए ही नहीं यूज़ किए हैं, जिससे कि राइस क्या होता है जब गर्म होते हैं तो फिर वो टूट जाते हैं। ठंडे होने के बाद राइस जल्दी टूटते नहीं हैं। और आपको इनको मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए और ढकना है लो फ्लेम पर। फिर 2 मिनट बाद आप फ्लेम को बंद कर सकते हैं और हमारे ये बटर गार्लिक टमाटो राइस एकदम रेडी है। अब आप भी इनको अपने घर में आराम से बना सकते हैं। ये इसी तरीके से ही होते हैं, बहुत ज़्यादा खिले खिले नहीं होते हैं क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा डला होता है, बट ये जब ठंडे हो जाते हैं तो अपने आप खिले खिले हो जाते हैं। बट आप देख सकते हैं इसका हर एक एक दाना आपको दिख रहा होगा। इसको मैं सर्व कर रही हूँ बूंदी रायता और पापड़ के साथ। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और डाल रही हूँ ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छे लगे। तो अब आप भी ये राइस की जो रेसिपी है अपने घर में आराम से बना सकते हैं। जिनको खाना बनाना नहीं आता है आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें, आप इजीली इसको बना पाएंगे। रायते के साथ ही और भी टेस्टी लगते हैं। सो ये है मेरी बटर गार्लिक टमाटो राइस की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको नई रेसिपी सीखने को मिली हो, तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कर लें और सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।